कांग्रेस के कभी गढ़ रहे अमेठी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर 17 दिसंबर को अमेठी पहुंच रहे हैं। 24 मई 2019 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद राहुल गांधी अमेठी आए थे। इसके 2.5 साल बाद अब उन्हें फिर से अमेठी याद आ गई। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अमेठी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम है। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल आज दोपहर अमेठी पहुंचकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी के तिलिस्म को 2019 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी ने तोड़ दिया था। स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से राहुल गांधी को पराजित कर दिया था। चुनाव परिणाम आने के एक हफ्ते बाद राहुल गांधी ने अमेठी आकर मायूस लोगों को एक आस बधाई थी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी फिर अमेठी नहीं आए। यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही अपने किले को एक बार फिर अभेद बनाने के लिए राहुल गांधी 17 व 18 दिसंबर को अमेठी में ही मौजूद रहेंगे। पहले दिन वो लखनऊ मार्ग से जगदीशपुर पहुंचकर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, लेकिन किस सड़क से उनका भ्रमण कराया जाएगा इसका निरीक्षण कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। पहले दिन भ्रमण के बाद राहुल गौरीगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन 18 दिसंबर को पार्टी कार्यकर्ताओं और विधानसभा चुनाव लड़ने के दावेदारों से बात कर उनकी नब्ज टटोलेंगे। राहुल के दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल आज दोपहर पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। यहां वे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों व फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वरिष्ठ कांग्रेसी एवं प्रत्याशी दावेदारों से बात करेंगे। राहुल के आने से पहले जमीन तैयार की जा रही है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता व सदस्यता अभियान प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की जानकारी सभी संबंधित को दे दी गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि राहुल गांधी का दौरा संभावित है, हम लोग तैयारियों में जुटे हैं। अमेठी से नाउ 44 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज